कराची में आज शदीद बारिशों का खतरा है। महकमे मौसमियात ने आज रात या सुबह तक सिंध की साहली पट्टी तक समुद्री तूफान बनने का खतरा जाहिर कर दिया है। समुद्री तूफान का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस वक्त भी कराची में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, कहीं हल्की और कहीं तेज हो रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे वक्कास आलम। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और सुबह से ही कराची के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। अब भी इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, कराची के शाहरा आई आई चुंदरीगढ़ रोड है और यहां बारिश जो है वो अब भी हो रही है। और सिर्फ आई आई चुंदरीगढ़ रोड ही नहीं बल्कि कराची के बेशतर इलाके जिसमें सखी हसन, नाजमाबाद, एयरपोर्ट और मलीर और उनके अतराफ में कई इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पर अब भी बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से मौजूद है। बारिश के पेश नज़र PDMA की मुशावरत के बाद कमिश्नर कराची ने तमाम निजी और सरकारी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर लिया है। जबकि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 31 तारीख तक जारी रहेगा। जी